तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है लाइटर एक आग की, जिसमें आग तो बहुत जबरदस्त लगी है और मजा भी बहुत आने वाला है। तो कहानी को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली शादी मेरी हो ही गई। तुम दोनों ने सब कुछ ऐसे संभाल लिया कि माँ बाप की भी कमी महसूस ना होने दी। भाई यार हो तो तुम दोनों जैसे, बिल्कुल माँ बाप की तरह। अबे हम तो हैं ही तेरे माँ बाप, मैं तेरा बाप और ये तेरी माँ। तो क्या बोलते हैं पप्पू के पापा, करें फिर दूसरे पप्पू की तैयारी? अबे यार तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है या मेरी फटके चार हो रही है कि नीचे रूम में जाके शुरू कैसे करूँ? अबे तू ना फालतू की टेंशन ले रहा है, जो करना है भाभी खुद कर लेगी, तू बस सेल्फ मार के छोड़ दियो। अबे वो सेल्फी गंड कोई बाइक ना है वो, जो सेल्फ स्टार्ट करके छोड़ दूं, साले बीबी हो मेरी। अबे यार पप्पू तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है, एक काम कर इसमें से दो पैग मार ले, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अरे नहीं यार भास्कर, आज के दिन दारू नहीं, कहीं ऐसा ना हो रिंकी को स्मेल आ जाए और पूरी रात मुझे घर के बाहर सोना पड़े। अबे पागल, तेरी ना सारी घबराहट की वजह भी यही है कि तूने आज पी नहीं है। ले दो पैग मार ले और फिर देख, ना रहेगी तेरी घबराहट और ना डरेगा तेरा ये शेर। पर चूते वूते हो क्या तुम दोनों, क्यों मेरी सौगात खराब करने पे तुले हो? तुम्हारा बहुत हुआ, तुम निकलो, मैं अपना खुद खेल लूंगा। भास्कर लगता है नहीं ऐसे नहीं मानेगा, हाथ पकड़ साड़े के। अरे आ गए आप, मुझे तो लगा आप भूल ही गए होंगे कि आज हमारी सुहागरात भी है। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा, और तुम सिगरेट पी रही हो क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने मच्छर भगाने के लिए जलाई थी। तो तुमने मेरे आने से पहले ये कपड़े क्यों उतार दिए? अरे ये वो ना, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए उतार दिए। तुम वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, आज हमारी सुहागरात है और तुम शराब पी कर आए हो? कौन बैन का लौंडा बोला कि मैं शराब पी के आया हूँ? वो तो मेरे हराम जादू दोस्तों ने उसे जबरदस्ती पिला दी, वरना मैं दारू को छूता तक नहीं। ओ दूर, ये ग्लास इधर दो, इसकी ज्यादा जरूरत मुझे है। कोई नहीं शेयर कर लेते हैं, तुम भी पी लो और आज से जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। अरे यार ये चूतिया तो बेहोश हो गया। हे भगवान, ये कैसी सुहागरात है मेरी, मेरा पति तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? देखिए मैंने ये गेम डाउनलोड करी है 500 रुपए की। अबे यार तू ये गेम्स में पैसा वेस्ट क्यों करता है, तुझे पता है तू इससे ज्यादा पैसा ओलम ट्रेड पर कमा सकता है। ओलम ट्रेड? हाँ मैंने इसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। ओलम ट्रेड एक इन्वेस्टमेंट ऐप है जो कि हमें ट्रेनिंग और हाई रेट रिटर्न के साथ साथ प्रोफेशनल्स के ट्रेडिंग सिग्नल्स भी हमको प्रोवाइड करता है, और इसके सभी फीचर्स बिल्कुल फ्री हैं। हजारों इंडियंस इसको यूज करते हैं जिनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि ओलम ट्रेड इंडिया में सबसे पहले आने वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक था। हाँ मुझे याद आया, कैसे तूने एक मिनट में इतने प्रॉफिट कमाए थे। चला एक ट्रेड ओपन करते हैं। हाँ चल करते हैं, लेकिन इस बार बड़ा अमाउंट ऐड कर। ठीक है करता हूँ। ये देख मैंने एक एसेट चूज करा है 90% रिटर्न के साथ साथ, और 20,000 का ट्रेड ओपन करा, और अब मैं इसमें आपकी तरफ इन्वेस्ट करूंगा। भाई तू तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। ये देख एक मिनट हो गया और 18,000 अपने बैलेंस में ऐड हो गए भाई। अरे वाह यार ये तो बड़ा सही लग रहा है, रुक मैं भी अभी अपने फोन में ओलम ट्रेड की ऐप डाउनलोड करता हूँ। कर ले और आप लोग भी ट्रेडिंग कर सकते हो मेरी तरह ओलम ट्रेड के साथ। हमने आप लोगों के लिए कुछ बोनस भी तैयार किए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करो, और लिंक फॉलो करने के बाद आपको मिलेगा एक्सटेंडेड डेमो अकाउंट जिसमें 10,000 की जगह आपको मिलेंगे पूरे 1,00,000 रुपए। तो ट्रेन और ट्रेड करो और मेरा कूपन कोड यूज करो 30AC और रिप्लेनिशमेंट के 30% अपने डिपॉजिट पर। थैंक्स भाई, अब मैं भी लिंक फॉलो करूंगा। कर ले क्योंकि ये ऑफर 14 दिन तक के लिए वैलिड है, तो जल्दी कर। ओ ओए ओए, वो देख
पप्पू के रूम का दरवाजा खुला है, चल के देखे क्या। आजा। नहीं 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 नहीं, अबे ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अबे अपने पप्पू तो बेहोश पड़ा है। अबे तू पप्पू देख रहा है? और तू? मैं कौन है वहां पर? कौन है वहां पे? चोर चोर चोर! अरे भाभी चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, हम तो पप्पू के दोस्त हैं। मैं भास्कर और ये महनी। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो तो हम देखने आए थे कि स्वागत कैसे मनाते हैं ताकि फ्यूचर के लिए हमें एक्सपीरियंस हो जाए। क्यों भास्कर? नहीं वो तो ये दरवाजा खोला था तो हम बस दरवाजा बंद करने आए थे ताकि आप दोनों को कुछ करते ना देख ले। क्या ही फायदा हुआ तुम्हारा दरवाजा बंद करने का? तुम्हारे दोस्त से तो वैसे भी कुछ नहीं हुआ, महाराज जी आते ही बेहोश हो गए शराब के नशे में। और मुझे एक बात बताओ, किस हरामखोर ने इनको शराब पिलाई? वो हरामखोर तो हम ही है भाभी। अरे नहीं, इसके कहने का मतलब है वो हरामखोर हम नहीं है, वो पिछली वाली गली में तीसरे मकान के दूसरे फ्लोर पे कुछ हरामखोर नशेड़ी लोग रहते हैं जिन्होंने इसको दारू पिलाई। मतलब भाभी मां कसम हम तो ना दारू पीते ना पिलाते। लेकिन वो पिछली गली के तीसरे मकान के दूसरे फ्लोर में तो हम ही रहते ना। तीन कुछ जाओ दुकान चलने लगी, सच के देवता तेरी ना गेड़ी में पानी भर दूंगा, चल यहां से। ठीक है भाभी फिर मैं भी चलता हूँ, आप दरवाजा बंद कर लो और अपनी स्वागरात एंजॉय करो। अच्छा सुनो, सिगरेट होगी तुम्हारे पास? सिगरेट? हाँ शायद है, 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 देता हूँ। चांद पे ले चलो, तारे दिखा दो मुझे, है रात भर का सफर, कल को न मिलना मुझे, मुझे चांद पे ले चलो। ऑफिस है या कोयले खाने? साले गधे की तरह काम करवाते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, ये कर दे वो कर दे ये कर दे। भाई मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी। एचओ ऑफिस वाले गांडी मार ली मेरी। अब मार ली से याद आया, कल तो तेरी स्वागरात थी, तो कैसी रही तेरी परफॉर्मेंस? तू तो अपने भाई को जानती है, मर्दाना ताकत शरीर में कूट कूट के भरी है। तेरे भाई ने रात को चीखे निकाल दी थी, चीखे। अजी घंटा मेरा चीखे निकाल दी थी, साढ़े रात को बेहोश पड़ा तू। बेहोश मैं? तुझे कैसे पता? अबे कल तेरा दरवाजा खुला था और हम लोग दरवाजा बंद करने आए थे, तभी देखा तू बेहोश पड़ा था। हाँ हनी सही बोल रहा है, रात को तू बेहोश पड़ा था तभी हमें पता चला। हाँ तो भाई तुम्हारे जाने के बाद मैं होश में आ गया था, उसके बाद तेरे भाई ने चीखे निकाल दी थी, चीखे। अबे चीखे वीखे छोड़, तुझे अपना प्रॉमिस तो याद है ना, क्या डिसाइड हुआ था हम तीनों के बीच में? हम तीनों में से जिसकी भी शादी सबसे पहले होगी हफ्ते में 3 दिन उसके घर पे डिनर होगा। और बेटे आज ना हफ्ते का पहला दिन है और डिनर होगा तेरे घर और खाना खाएंगे भाभी के हाथों का। व्हाई नॉट यार, मैं अपना वादा भूल कैसे सकता हूँ? और भाई तुम दोनों दोस्त नहीं भाई हो मेरे, अरे फैमिली हो तुम मेरी, तो आज रात का डिनर मेरे घर, तुम्हें आना है। अरे नहीं हनी यार तू पागल है क्या,
पप्पू की अभी नई नई शादी हुई है, ऐसे भाभी को परेशान करना अच्छा थोड़ी ना लगता है। पप्पू तू टेंशन मत ले, और हनी तुझे खाने खाना ना, मैं डेली बनाता तो आज भी बना दूंगा, खा लियो। अबे तेरे हाथ का खाना नहीं खाना यार, तेरे हाथ का खाना खाओगे ना मैं बोर हो गया हूँ। अब तो बेटा टाइम है भाभी के हाथ का खाना खाने का, और डिनर तो पप्पू भाई के घर ही होगा। अरे यार ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है, पप्पू बताना इसे। बस चूतिया है क्या? और भाई तुझे किस बात की टेंशन है, नई नवेली बहू है, उससे काम अभी करवाएंगे तो बाद में भी काम करेगी, अगर अभी काम नहीं करेंगे तो बाद में भी नहीं करेगी। और भाई सर पे चढ़ के नाचेगी, लुगाइयों को ना मुट्ठी में रखना चाहिए। तो भाई तुम आ जाना, आज का डिनर मेरे यहाँ पर है। ये हुई ना मर्द वाली बात पप्पू भाई। अच्छा चल ठीक है, ऑफिस की छुट्टी हो गई है, टाइम से घर पहुँचते हैं, चलो। मैं नहीं पीऊंगा ये पानी, ये भास्कर को जूस का गिलास, मुझे ये सादा पानी। छी कितनी गंदी है ये भाभी, आते ही दोस्तों में भेदभाव। अबे हनी तू क्या ही करेगा ये जूस पी के, साढ़े तू तो नाम से ही मीठा है, और तेरे लिए तो ये जल ही जीवन है, ले पी से। मैं नहीं पी रहा, और तेरा नाम कौन सा जेम्स बॉन्ड है पप्पू? छोटी गन गांडू दिखाऊंगा अपनी गन। हाँ लौड़ू दिखा ना। दिखाऊंगा मैंने पप्पू। देखा तो साने ले। हाचू संभाले। आया मजा। भाई तूने तो स्टार्टर में कबाब खा लिया, मैं तो पहले मना कर रहा था यहाँ नहीं आते, और तुझे जूस ही पीना है तो एक काम कर बाहर चलते, मैं तुझे पिला दूंगा। चल चलते। अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग, और मैंने इतना सारा खाना बनाया ये कौन खाएगा, और तुम लोग तो डिनर करने आए थे ना, तो डिनर करके जाओ। अबे यार हनी बुरा मान गया क्या मेरी बात का, मैं तो मजाक कर रहा था, और अब तुम दोनों आए हो तो खाना खा के ही जाना ना। भाई अब आ ही गए तो खाना खा ही लेते हैं ना, पैसे भी बच जाएंगे अपने, फायदे का सौदा है। अच्छा चल ठीक है खा लेते हैं। अच्छा वैसे भाभी ने जूस तो नहीं पिलाया लेकिन खाना बड़ा स्वाद बनाया। नहीं हाँ हनी कहते तो सही रहा है, खाना बहुत अच्छा बनाया रिंकी ने। अरे शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है मेरे हाथ का खाना तुम्हारे दोस्त भास्कर को पसंद नहीं आया। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाया, और मैं तो इसके स्वाद में ही खो गया। मुझे ना आपसे कुछ बोलना था। हाँ बोलो। वो क्या है कि ना आई एम रियली सॉरी। ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, और ये भास्कर भाभी को सॉरी क्यों बोल रहा है? किस लिए? वो उस रात जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में। ओ बैंचो, भास्कर ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अच्छा उस रात, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुमने वो लाइटर जलाया पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं खुद को रोक नहीं पाई, और उस रात जो भी हुआ सब जाने अनजाने में ही तो हुआ। खैर छोड़ो वो बात, मैं भूल चुकी हूँ और तुम भी भूल जाओ। ओए भास्कर तूने रिंकी भाभी के साथ क्या कांड किया है बे? रिंकी भाभी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इतना सीधा बनने की ना जरूरत नहीं है, मैंने सब सुना, जब तू हाथ धो रहा था ना वहीं पे था मैं। क्या तूने सब कुछ सुन लिया? भाई यार प्लीज देख, जो कुछ भी हुआ ना गलती से हुआ, पप्पू को मत बताइयो। अबे हटा, तू ना इतना सीधा है नहीं है, तूने बेटा सही मौका देख के ना खूब चौके छक्के लगाए हैं, अब तो बेटा ये बात ना पप्पू को बतानी जरूरी हो गई है। यार अब भाई तुझे कैसे समझाऊं? अबे ये इतनी रात को गेट कौन पीट रहा है? मुझे तो लगता है बेटा पप्पू तो नहीं आ गया अपनी बीवी का बदला लेने। लेकिन उसको किसने बताया, कहीं तूने तो नहीं बताया? पागल हो गया है, मैं क्यों बताऊंगा, मैं तेरे साथ यहाँ हूँ, हो सकता है उसकी बीवी ने उसे बता दिया हो।
भाई जाने एक बार गेट खोल दे प्लीज। मैं क्यों खोलूं? तू खोल। भाई एक बार जाके देख ना गेट पे कौन है। भाई तू देख ना, तू जा, तू होशियार है, तू जा। एक काम करते दोनों साथ में चलते आना। अबे बुड्ढे तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई हम तो शरीफ लौंडों का दरवाजा पीटने की है? और चश्मा लगा के तो ऐसे खड़ा जैसे कितनी धूप पड़ रही हो। भास्कर बंदूक के गुंडे, लगता पप्पू ने तेरी सुपारी दे दी। सॉरी सर, मैं तो आपसे ये कह रहा था कि आप हमारा दरवाजा रात को पीटो, सुबह को पीटे, अरे जब आपका दिल करे तब पीटो, बस हमें मत मारना क्योंकि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। मैंने तो अभी तक स्वागरात भी नहीं मनाई है, इसने मना लिया, वो भी अपने दोस्त की बीवी के साथ। अरे बकवास बंद कर। और ये हमारे बॉस सतनाम सिंह जी हैं। और हमारे बॉस का पुश्तैनी लेटर खो गया है। और सुना है कि वो लेटर तुम्हारे पास है। लाइटर हमारे पास? नहीं नहीं, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारे पास तो कोई लाइटर ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारी गलत फहमी अभी दूर कर देते हैं, लेकर आओ उसे। तो भाई दो टके के चोर, तू तो कह रहा था कि वो लाइटर इनके पास है। अपन अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर बोलता है, अपन नहीं लेटर इन दोनों गंडवों को ही बेचा है। भास्कर भाई गाली दे रहा है आपको, गंडवा बोल दिया। अबे ओए गंडवा किसको बोला? हाँ माना तुझसे लाइटर लिया तो इसका मतलब गाली देगा क्या तेरी? तो ठीक है आपका आदमी है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना। वरना क्या बे? वरना भास्कर भाई यहीं पटक पटक कर अपनी गांड दे देंगे। ओए सॉरी भाई, वो गलती से गलत डायलॉग बोल दिया। शांत, लेके जाओ और ठोक दो इसको। सब सब ऐसा देखो, अपने तो सब सच बोला और इनके पास भी लेके आया। सब मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज सब माफ कर दो। सतनाम की लाइफ है एक ही रूल, ये गलती और सीधा हो। भास्कर सर का लाइटर दे देते हैं वापस अगर जिंदा रहना है तो। सर वो लाइटर मेरे दोस्त पप्पू के घर पर है। तो चलो उसके घर चलते हैं। नहीं नहीं, अभी उसके घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आज उसकी स्वागरात है। लेकिन भास्कर पप्पू की स्वागरात तो कल थी। अबे तेरी जवान ऐसी सिचुएशन में मरवाएगी। सर आप मेरी बात सुनिए, कल उसकी स्वागरात थी लेकिन उसकी बीवी के साथ गलती से मैंने स्वागरात बना ली, तो इसलिए आज उसकी बारी है। आप मुझे एक दिन का टाइम दो ना, मैं आपका लाइटर आपको लाके देता हूँ। बड़े हरामियों भैंचोर। ठीक है बॉस, इन्हें कल तक का टाइम दे देते हैं। और कल तक बॉस का लेटर नहीं मिला, हम तुम्हें ऊपर वाले से मिला देंगे। ऊपर वालों से? लेकिन टॉप फ्लोर पे तो हम ही रहते हैं, ये किस ऊपर वाले से मिलवाएंगे? अबे ओ भोली गांड, ऊपर मतलब सीधा मौत, समझा? समझ गया, समझ गया। लेकिन सर उस लाइटर में ऐसा क्या है जिसके लिए आप हम सबको मारने के लिए भी तैयार हो? अबे वो कोई मामूली लाइटर नहीं, वो हमारा पुश्तैनी लाइटर है जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है। 1 करोड़? हाँ 1 करोड़। और अगर उस लाइटर को किसी लड़की के सामने जला दो ना, तो उस लाइटर की आग लड़की के जिस्म में आग लगा देती है। और अब तक उस लाइटर की ताकत से मैं 120 कलियों को मसल चुका हूं। और हाँ कल तक का तुम्हारे पास टाइम है, मुझे मेरा लाइटर मिल जाना चाहिए, समझे? देख लो। और हाँ अगर भागने की कोशिश करी ना, गोली सीधा कान में लगेगी। हेलो यार हन्नी, उस लाइटर की कीमत 1 करोड़ रुपए। अबे तुझे उसकी कीमत की पड़ी है? मुझे तो बस वो एक बार लाइटर मिल जाए ना, मैं तो पायल के घर जाके वो पुश्तैनी लाइटर जला दूंगा और फिर वो मुझे अपनी हॉटनेस से जला देगी भाई। माँ कसम मैं ना वहीं पे फैल जाऊंगा। अबे साले तूने अपनी शक्ल देखी है? कम से कम सपने तो अपने औकात के हिसाब से देखा कर। और जिस पायल की तू बात कर रहा है ना बेटे, वो अपने मोहल्ले और कॉलेज दोनों में बहुत ज्यादा फेमस है। 5 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे उसके, 5 मिलियन। तो वो तेरे जैसे 20 फॉलोवर वाले नल्ले इंसान को भाव क्यों देगी?
भाई तू ऐसे मत बोला कर यार, जब तू ऐसे बोलता है ना तो मुझे दोस्त कम दुश्मन ज्यादा लगता है तू। और मुझे भी पता है मेरी औकात का, मेरे जैसे 20 फॉलोवर वाले को वो घास ही नहीं डालेगी। तभी तो मैंने बोला कि मैं वो लाइटर की मदद लूंगा और वो सामने वाले में आग लगा देगा, समझ रहा है? आग। कभी कभी तू भी दिमाग वाली बातें कर ही लेता है। तो मैं पहले से ही समझदार हूँ, तेरे को पता ही है। क्या हुआ? पप्पू की कॉल आ रही है। उठा उठा उठा। हेलो। अबे कहाँ रह गए तुम दोनों आज? ऑफिस ना आए? अरे नहीं यार, वो आज हम ऑफिस नहीं आएंगे, हम दोनों को ना कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। अच्छा। हाँ अच्छा, चल ठीक है, तुझसे बाद में बात करता हूँ, अभी काम है। बाय। एक काम करते, पप्पू ऑफिस में फटाफट से लाइटर ले ही आते हैं। चल, चल उसके घर। चल, 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 चल। अरे यार अब ये दोनों भी ऑफिस में आ रहे हैं आज, और मैं अकेला क्या ही करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं भी निकल लेता हूँ। अरे हम दोनों यहाँ, लेकिन वो तो ऑफिस गए हैं। हाँ मुझे पता है, पप्पू ऑफिस गया है। वो क्या है कि ना, मैं अपना लाइटर लेने आया हूँ। लाइटर? हाँ वही लाइटर जिससे उस दिन मैंने आपकी वो सिगरेट जलाई थी। अच्छा वो लाइटर? हाँ। आप लोग अंदर आओ, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो आपका लाइटर। अबे भास्कर यही है क्या वो 1 करोड़ का लाइटर? क्या 1 करोड़ का लाइटर? हाँ। अरे यार ये लाइटर मत चला, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, सबकी फटके 4 हो जाएगी, बंद कर ले से। और अगर उस लाइटर को किसी लड़की के सामने जला दो ना, तो उस लाइटर की आग लड़की के जिस्म में आग लगा देती है। अबे यार हनी, मैंने तुझे मना करा था ना कि लाइटर नहीं चलाना, तूने लाइटर क्यों चलाया? अबे मैं तो चेक कर रहा था ना कि लाइटर जल भी रहा है नहीं। शिट यार, हो गया काम खराब। ओए पागल है क्या तू, यहाँ पे हम लाइटर लेने आए थे, तू तो कुछ और ही ले रहा है। क्यों, तू करे तो राज लिया, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। अबे देख, तेरा मैंने किसी को नहीं बताया, तू मेरा किसी को मत बताइयो, अभी हट। गेट कैसे खुला है? ओ बैंचो, ये दोनों मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हैं? सो हे गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जानता हूं थोड़ा टाइम लग गया, 15 दिन फिर से लग गए, अब क्या करूं यार, अच्छा कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, इस बात को आप भी समझो। बिकॉज हमारी पॉइंट्स वाली वीडियो नहीं होती, एक स्केच बनाना पड़ता है, फिर एडिटिंग शूटिंग इन सब चीजों में टाइम लग जाता है। इनफैक्ट इन सब चीजों को छोड़ो, बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि सबसे ज्यादा वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उस रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ गाइस, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जाके फॉलो करो और पाओ 1 लाख रुपए अपने डेमो अकाउंट में, और मेरा प्रोमो कोड यूज करो 30AC और 30% बोनस पाओ अपने डिपॉजिट पर। तो ट्रेड करो और पैसा कमाओ। और बाकी गाइस, इंस्टाग्राम पर मैं हर वीडियो का ट्रेलर अपडेट हर चीज और फोटोज वगैरह भी अपनी डालता रहता हूँ, फुल अपडेट रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मुझसे बात करने के लिए और कनेक्ट रहने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से आ जाओ इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो कर लो। बाकी सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो का जल्दी देखने को मिलेगा, तो बस इस वीडियो को फैला दो और अपना ढेर सारा प्यार दो, ताकि सेकंड एपिसोड भी जल्दी आ जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे बहुत जल्द सेकंड पार्ट के साथ। बाय, लव यू ऑल।